अध्यक्ष मंचा सिंह, श्रद्धेय साथी, समाज के जहांबाज सिपाही, हमारे कुछ सांसद, मंत्री, समाज के जितने भी संगठन हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी संगठन जिन्होंने इस क्रांति में शिरकत की, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज आप सभी ने यह दिखा दिया कि कॉमन कोज पर इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड पॉलिटिक्स वी आर वन। हम बाबा साहब के सिपाही हैं और बाबा साहब का मिशन जहां जहां गचका खाएगा और कोई उसको गचका देने की कोशिश करेगा, हम उसे मुंह तोड़ से मार देंगे। आज आपने सिद्ध कर दिया। मैं आप सभी साथियों को सल्यूट करता हूं उसके लिए। जब जब समाज पर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर आज आई, पूरे समाज ने इकट्ठा होकर कुछ को विरोध किया। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको सभी सरकारों से, दूसरी संस्थाओं से ऊपर माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, अगर वही भाई से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि कौन सा समा गया। साथियों, हमारे दो माननीय न्यायाधीश जिन लोगों ने 89 एट्रोसिटीज एक्ट पर एक बहुत ही घिनौना वार किया और उस वार को करने के बाद आज पूरे देश में देख रहे होंगे कि पूरा देश ये मजदूर, ये किसान, ये सरहारा वर्ग, ये मेहनत कश लोग, ये धरती पुत्र लोग, ये अग्नि पुत्र लोग इस चीज को सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट को घेरने का भी काम अगली दफा करेंगे। साथियों, बात हो चुका, ये एक किस्म से अघोषित इमरजेंसी जैसा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट से, क्या 1/4 जनसंख्या को छोड़कर इस पूरे देश का विकास कर सकते हैं? कौन सा ऐसा विकास करेंगे जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं हम संवेदनशील हैं। आप, इतनी घटनाएं होती हैं देश में, उल्ला कांड होता है, बेमुला कांड होता है, मेघवाल कांड राजस्थान में हो जाता है, डांगवास में होता है, आप कभी संवेदन नहीं हुए, सहारनपुर कांड हो जाता है, कभी संवेदन नहीं हुए, तो कौन सी संवेदनशीलता की बात करते हैं आप? साथियों, आज वक्त आ गया, आप अपनी पार्टी, पॉलिटिक्स, संगठन सबको भूल करके बाबा साहब के दिए हुए उस वचन को याद रखना, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक और बाबा बड़ी मुसीबत से यहां तक रहा हूं, अगर इसको पीछे हटता हुआ तुमने देखा तो दोस्तों आज वही समय आ गया। ये कारवा पीछे लोग धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इस कारवा को पीछे नहीं जाने देना, किसी भी हालत में जान नहीं जाने देना। इस सिस्टम को करेंगे और इस सरकार से डिमांड करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का ये न्याय, आप इसको रिविजन डाले या अपील डाले या रिट डाले या कुछ करे, लेकिन हमें ये कानून यथास्थिति में चाहिए जैसा था, उसी स्थिति में चाहिए। और यदि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत होगी। साथियों, हर व्यक्ति आज व्हाट्सएप पर देखता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति बन गया, किसी ने ये नहीं कहा कि क्लासरूम से बाहर बैठने वाला व्यक्ति देश का कर्णधार बन गया, देश का कर्णधार। साथियों, आज वो समय आ गया, आप बाबा साहब के सिपाही हैं, आप बाबा साहब की औलाद हैं
और बाबा साहब के नाम से हम कटला भी जानते हैं, हम काटला भी जानते हैं, हम मिटला भी जानते हैं, हम मिटाना भी जानते हैं। इन संतों के साथ बहुत ज्यादा ना कहते हैं, अगर ये डिमांड बहुत कम समय में नहीं मानी गई तो साथियों तैयार रहना, उस एक 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 खून की बूंद तभी अगर जरूरत पड़ेगी हम मानने को तैयार है, तैयार रहना चीज के लिए।